बाबा साहब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर अंबेडकर भवन पहुंचकर राजनीतिक दलों, गणमान्य नागरिकों व आमजनों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए व बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ भी ली। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। पुण्यतिथि कार्यक्रम है, परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर 62वां दिवस है उनका। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें डॉक्टर साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं, उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए ताकि ये समाज विकास कर सके। उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है उस पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर साहब ने ऐसा संविधान लिखा है कि जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में इसको माना जाता है। ये संविधान जितना लचीला है उतना ही सख्त है। संविधान में सभी वर्ग के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वर्ग के लिए बराबर का अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए अधिकार दिया है, नौजवानों के लिए अधिकार दिया है, युवाओं के लिए अधिकार दिया है। ऐसे संविधान की हम भरपूर तारीफ करते हैं कि ये संविधान की धाराएं पूरी लागू होना चाहिए और हर व्यक्ति को संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके लिए हमने एक बुकलेट छपाई हुई है संविधान के, जिसमें अंश हैं वो मैं अभी आपको अवगत कराऊंगा। उस बुकलेट को हम बांटेंगे ताकि कानून को हम समझ सकें, कानून में हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं